हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पल्लवीज हेल्थ पॉकेट। आज मैं बनाऊंगी शाही टुकड़ा। ये हमारा राखी स्पेशल डेजर्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाशनी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कटोरी चीनी और इसमें मैं ऐड करूंगी 2 कटोरी पानी। और अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ और इसे हमें मेल्ट होने तक पूरा अच्छे से कुक करना है। जब तक चीनी मेल्ट हो जाए तब तक इसे हमें चलाते रहना है। और इसमें मैं एक इलायची का पाउडर भी ऐड करूँगी। इसमें मैं 2 इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ छिलका समेत। चाशनी हमारी रेडी हो गई है और अब हम ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 3 स्लाइस ब्राउन ब्रेड ले लिया है और इसकी साइड्स को हम पहले रिमूव कर देंगे। आप चाहे तो वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो साइड्स है ये हम रख देंगे, इसकी अलग से स्नैक्स बन जाएगी। इसे हमें वेस्ट नहीं करना है, आप बाद में कभी इसका कोई स्नैक बना सकते हैं। और इसे हमें बीच से भी कट कर लेना है। इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में। पैन में मैंने घी गरम कर लिया है और मैंने सारे टोस्ट जो भी ब्रेड स्लाइसेस है मैंने उन्हें रख दिया है और उन्हें हमें टोस्ट करना है। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं बट मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। आप इस तरह से बिल्कुल इसे क्रिस्पी टोस्ट कर ले। ब्रेड हमारा क्रिस्पी टोस्ट हो गया है, मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। रबड़ी बनाने के लिए मैं एक पैन को गरम कर ली और मैंने लिया है 1 कटोरी दूध। फुल फैट मिल्क लेना है हमें और इसे हमें बॉईल करना है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कटोरी कंडेंस्ड मिल्क और इसे हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है जब तक ये कंडेंस्ड मिल्क बिल्कुल प्रॉपरली मिक्स ना हो जाए। हमें कंडेंस्ड मिल्क को तब तक मिक्स करते रहना है जब तक ये अच्छे तरीके से ये घुल ना जाए मिल्क में। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सैफ्रन मिल्क। कुछ सैफ्रन स्ट्रैंड्स को मिल्क में भिगो कर रखा था उसे मैं ऐड करूँगी। हमारी रबड़ी भी रेडी है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। हमें इस तरह से इसे गाढ़ा कर लेना है। और अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। शुगर ऐड नहीं करना है क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क मैंने जो ऐड किया है वो काफ़ी मीठा होता है और ये बिल्कुल बैलेंस कर लेता है इसकी मिठास को, तो हम शुगर ऐड नहीं करेंगे। अब हमें टोस्टेड ब्रेड को 1 by 1 चाशनी में डिप करके और एक प्लेट में निकाल लेना है। और बहुत देर तक इसमें डिप नहीं करना है नहीं तो ये बिल्कुल सॉगी हो जाएगा। तो अब मैं जो सोक ब्रेड है उसे अच्छे से प्लेट में सजा कर रख लूँगी 1 by 1। और इसमें अब ऊपर से हम डालेंगे अपनी रबड़ी और चारों तरफ से भी हम थोड़ा सा रबड़ी ऐड कर देंगे और इसे गार्निश करेंगे कटे हुए पिस्ते के साथ। दिखने में जितना सुंदर है वो खाने में ही उतना टेस्टी भी है। सो गाइस, ये देखिए हमारी रबड़ी तैयार है। ज़रूर मुझे बताएं आपको कैसी लगी ये रेसिपी और मुझे कमेंट करें।